अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हेयर फॉर यू। होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, होप सो आपकी ईद ठीक ही गुजरी होगी, बहुत अच्छे से गुजरी होगी। बड़ी ईद थी तो ज़ाहिर बात है गोश्त की ईद थी, तो मिल बांट के खाया होगा आपने, आप लोगों ने, और दोस्त अहबाब में बांटा होगा डेफिनेटली। वेल, आज मुझे थोड़ी सी बात करनी है आप लोगों से इस बात की। हमारे जो कुछ लोग हैं उनको बहुत कंप्लेन है, शायद उनको कन्फ्यूजन्स हैं जो कि क्लियर नहीं हो रही हैं या समझ नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास यही 5-6-7 क्वेश्चंस आए हैं कि क्या साइकिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, क्या वो जान ले सकते हैं, क्या वो हमारी जान के लिए ख़तरा होते हैं, अगर उनको ट्रीट ना करें तो क्या होता है, अगर ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होता है, अगर ट्रीट करें तो क्या हम सारी ज़िंदगी उनको ट्रीट करते रहेंगे, या फिर उनका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि जो साइकी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो जो नॉर्मली साइकी प्रॉब्लम होते हैं, नॉर्मली एक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेयर हो गया, फोबिया हो गया, या माइनर डिप्रेशन हो गया, माइनर एनजाइटी हो गई, या कोई भी इशू हो गया ना, तो सारे ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हैं। ओवरथिंकिंग हो गई, परेशानियाँ, ये वो फलां, ये डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जब ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड डेफिनेटली, यू नो, तो जब एक चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि नॉर्मली चीज़ें फाइन ठीक होती हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए नुकसान करते हैं। अगर नॉर्मल डिप्रेशन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप सैड हैं, कुछ डेज के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसे एनजाइटी है, फोबिया है, इवेंट के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, सिम्टम्स का ड्यूरेशन, बाकी जो है वो आपका सबसे ज़्यादा डायग्नोसिस, सिम्टम्स, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जब वो आपका ड्यूरेशन मीट करता है कि 6 माह हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, हम कंटिन्यूसली एक ही फेज़ में हैं, तो आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो चीज़ आपके लिए डेंजरस है। देखिए, डेंजरस है तो साइकिक प्रॉब्लम की वजह से लोग फॉल करें ना, हॉस्पिटल्स में लोग जो हैं वो एडमिट हैं, और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब हद से ज़्यादा जो है वो कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता है भाई, टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है, उसके बाद कहीं जाके वो जो है वो ट्रीट होता है। तो अब आप ये कि वो मर जाएंगे, वो इस तरह से नहीं होता, आप अगर उसको जल्दी कंट्रोल कर रहे हैं तो नहीं होता। और फिर ये सारी माइंड गेम होती है, आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है, और आप कितना, आपके दिमाग पर आपका अपना कितना कंट्रोल है, और आप किस तरह से चीज़ों को टैकल करते हैं, ठीक है। अब जानलेवा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जब आप इसको छोड़ देंगे तो वो जानलेवा हो सकता है ना। एक चीज़ बढ़ गई है हद से ज़्यादा, आपने उसको छोड़ दिया है, ध्यान नहीं दिया, तो वो जानलेवा हो सकती है। अभी बॉलीवुड का जो एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, वो जो जिसकी डेथ हुई है, उसने डिप्रेशन से डेथ की है, अपनी जो उसकी डेथ है वो डिप्रेशन से ही हुई है। तो उसकी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, बल्कि मैंने पिछले वीडियोस में जिक्र भी आपको थोड़ा सा बताया भी था। तो इस तरह से होता है, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी आप खुद क्वेश्चंस अपने माइंड में अराइज करके सोचा करें कि ये हम लोग क्या डिफरेंसेस हैं। माइनर चीज़ें और होती हैं, क्लिनिकल बेस्ड और होती हैं, ठीक है। तो होप्स हो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये चीज़ें इस तरह से हैं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। एकदम से नहीं होती कि हमारे एक फलां बुखार हो गया तो उसने जान ले ली, या सोची जा रहे हैं तो उसने जान ले ली, भाई इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। जब एक चीज़ का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो फिर यह है कि आप एहतियात करें, चीज़ों को इस तरह से ना छोड़ें, क्योंकि जब तक आपका माइंड ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है, जैसे वो ख़राब होगा तो आपको डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वैसे ही मेंटली होते हैं। जैसे आपको अगर थोड़ा सा माइनर सा उंगली पे कट लग गया ना तो वो ठीक हो जाता है 2-4 दिन में, डजंट मैटर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते। इसी तरह साइकिक प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा सा आप मेंटली टॉर्चर हुए 2 दिन के बाद ठीक हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर कैंसर हो गया तो एडमिट रहना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका माइंड का जो प्रॉब्लम है वो एक्सीड कर गया एक लिमिट से, डायग्नोसिस हो गया, सिम्टम्स मीट कर रही हैं, तो फिर आपको सेशंस लेने पड़ेंगे। इनडोर भी रहना पड़ सकता है, आउटडोर रह के भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल ज्वाइन किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, नॉलेज बांटना सिद्ध कर जा रही है, आप इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।